हेलो बच्चों, आज क्लास नाइन्थ का पहले चैप्टर का जो एक टॉपिक है घातांकी रूप, लॉ ऑफ इंडिसेस, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, नाम से लग रहा है कि घात के बारे में बात करेंगे हम, इंडेक्स के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, अगर कहीं पर आपको ए टू पावर एम लिखा हो, ए की घात एम, तो ए जो है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेस और हिंदी में कहते हैं इसको आधार, और जो पावर होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स और इसको हिंदी में कहते हैं घात। तो ये बेस है और ये घात है, ये इंडेक्स है। ये कुछ नियमों को फॉलो करता है, कुछ नियमों का पालन करता है। उन नियमों का जरा देख लीजिए, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए इसके रूल्स क्या क्या हैं। इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके हम एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहली चीज जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ए टू पावर एम लिखा हो और इनटू ए टू पावर एन लिखा हो, देखिए यहां पर जो घात बेस है जिसको कि हम आधार कहते हैं सेम है, पावर अलग अलग हो सकती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो इनकी जो पावर होगी वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इस नियम को अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कहीं पर एक एग्जांपल हम ले लें कि कहीं पर 2 की पावर 5 लिखी हो इनटू 2 की पावर 7 लिखी हो। देखो, दोनों का जो बेस है, दोनों का जो आधार कहते हैं इसको इंग्लिश में, वो सेम है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 5 प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा नियम ये है कि अगर ए टू पावर एम हो और अपान ए टू पावर एन हो, भाग में लिखा हो, इसको ऐसे भी होता है और कहीं कहीं पर ऐसे लिखा होता है, ये ऐसे डिवाइड का साइन भी लगा होता है। देखिए, इसमें बेस सेम है, आधार सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, लेकिन इसमें देखना पड़ता है कि एम बड़ा किया एन, तो मान लेते हैं एम बड़ा है तो ये पावर जो होगी वो माइनस हो जाएगी, ए टू पावर एम माइनस एन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर यही 2 की पावर 7 लिखा होता और अपान में 2 की पावर 5 लिखा होता, इसको 2 की पावर 7 माइनस 5 यानी 2 की पावर 2 लिखते हैं हम। ठीक है, ये दूसरा नियम होता है। तीसरा नियम ये है कि जैसे ए टू पावर एम लिखा हो और उसकी होल पावर एन लिखी हो, यानी पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। अगला नियम ये है कि अगर मान लिया, जरा समझिएगा, ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन लिखा हो, देखिए दोनों में बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसमें कोई नियम, ये तो यही वाला लग गया जाकर के, लेकिन मान लिया बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तब क्या करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और होल पावर एम लगा देते हैं। ठीक है, कुछ बातें और समझ लें। देखिए, जैसे कहीं पर आपको पावर नेगेटिव लिखी हो, माइनस में लिखी हो, और आप इसको प्लस करना चाहते हैं, तो इसको आप अगर ऊपर है तो नीचे ले आओ, और मान लिया ये नीचे लिखी होती तो इसको ऊपर ले जाते, मतलब अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ऊपर माइनस में है तो नीचे आके प्लस हो जाएगी। एक चीज और, ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, वर्गमूल आप पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या होता है, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, पावर में 1/2 होता है। और अगर इस पावर के इस वाले ये जो चिन्ह है ना, इसके अंदर ये वाला जो साइन है, इसके अंदर 3 लिखा हो तो इसका मतलब पावर 1/3 होता है, अगर यह 4 लिखा हो तो 1/4 होता है। ठीक है, ये कुछ नियम है, इन नियमों को अप्लाई करके हम एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, बुक को सामने रख लें, क्वेश्चंस नोट कर लें और ध्यान से क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि टफ नहीं है, इन्हीं लॉस को लगा करके ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन, हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 के बारे में बात कर रहे हैं, ये पहले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है।
इसमें कह रहे हैं कि एक वैल्यू फाइंड करिए, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1/2। देखिए दो तरीके इसके होते हैं। अब 1/2 को अभी हम बता चुके हैं कि भाई उसको वर्गमूल कर सकते हैं, आप ये मत करिए। सिंपल सा तरीका है 64 के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, कम से कम दो टुकड़े तो होने चाहिए, छोटे छोटे कर दीजिए। कैसे करेंगे, जैसे छोटे क्लास में आपने लघुत्तम पढ़ा होगा, एलसीएम पढ़ा होगा, उसी नियम से कर दो। इसको दो से काटोगे तो 32 आएगा, फिर दो से काटोगे तो 16 आएगा, फिर दो से काटोगे तो 8 आएगा, फिर दो से काटोगे तो 4 आएगा, फिर दो से काटोगे 2 आएगा, फिर दो से काटोगे 1 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार आया है, 6। 2 × 4 × 8 × 16 × 32 2×6, तो इसको 2×6 लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता है ना। और इसकी पूरी पावर क्या है, 1/2। अभी हम बता चुके हैं कि पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि यहां पर 2×6 का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे। अब यहां पर तो अलजेब्रा का नियम लगेगा, बीजगणित का, 2 × 2, 2 × 3, 6 ये कितना जाएगा, 2×3, 2 × 4 × 8 इसको जब मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 8। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 हो जाएगी। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट कह रहा है 32×1/5 अब आप 32 के टुकड़े करिए। अब जरा इन्हीं टुकड़ों में से ध्यान से समझिएगा, अगर ये 32 होता ऐसे, तो यहां से स्टार्ट हो जाता 32, तो 2×5 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2×5 और पूरी पावर क्या है, 1/5। पावर पावर का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 2×5 × 1/5 5 कट गया तो 2×1, यानी आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ये आपका सेकेंड पार्ट है। जरा थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट कह रहा है 125 की पावर 1/3। 125 के टुकड़े करिए, 125 किससे कटेगा, आप कहेंगे 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, सॉरी 5 बार जाएगा। कितनी बार 5 आ रहा है, 1, 2, 3। तो ये क्या लिखा है, 5×3 और होल पावर कितनी है, 1/3। पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5×3 × 1/3 ये कट गया तो 5×1, यानी आंसर क्या आ गया, 5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के आपके पार्ट हुए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 1.6 एक्सरसाइज चल रही है, सेकेंड क्वेश्चन समझिएगा। नियम सबके एक ही है, क्योंकि इंडेक्स का लॉ है, बहुत सिंपल लॉ से क्वेश्चन लगे हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करो। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 9×3/2 9 के टुकड़े करिए, 3×3 यानी 9 को लिखा जा सकता है 3×2 और होल पावर कितनी है, 3/2। और आप जानते हैं पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3×2 × 3/2 2 कट गया, 3×3 3×9 = 27 कितनी वैल्यू आएगी, 27। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, 32×2/5 अभी हम 32 के टुकड़े कर चुके हैं, 2×5 2×4×8×16×32 5 बार जाएगा ना, तो 2×5 और होल पावर 2/5। अब जानते हैं पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये क्या आएगा, 2×5 × 2/5 5 कट गया, 2×2 यानी 2×2 यानी कि वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई, ये आप बहुत छोटे क्लास पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए, 16×3/4 क्या करेंगे आप, 16 के टुकड़े करिए, 2×4×8×16 2×4 तो 2×4 होल पावर, देखो ये पावर में लिखा हुआ है, घात में लिखा हुआ है, जरा ध्यान से लिखेंगे कि यहां पर कहीं खोपड़ी के पास लिखिएगा, यहां पर ये नहीं उसके बराबर लिख दो। अब देखिए नियम क्या होता है, 2×4 और पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 कट गया
टू टू पावर थ्री, दो दुनी चार दुनी आठ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एट आएगी। फोर्थ पार्ट देखिए, 125 टू पावर माइनस वन बाई थ्री, 125 टू पावर माइनस वन बाई थ्री, पहले तो इसके टुकड़े अभी हम कर चुके हैं, 5 टू पावर 3 होल टू पावर माइनस वन बाई थ्री, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 5 टू पावर 3 इंटू माइनस वन बाई थ्री, ये कट जाएगा 5 टू पावर माइनस वन, और अभी हमने कहा पलट के लिख दो इसको, अगर ऊपर है माइनस में तो नीचे आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि पावर माइनस वन है तो नीचे आके प्लस वन हो जाएगी, वही वैल्यू आएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया, जहां समझ में ना आए वहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब भी आपको देंगे। वैसे मेरे हिसाब से कोई कैलकुलेशन सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन भी आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करिए, 2 की पावर 1 बाई थ्री, 2 की पावर का फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 की पावर 1 बाई थ्री इंटू 2 की पावर 1 बाई फाइव, बेस दोनों का सेम है, आधार सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 2 टू पावर 1 बाई थ्री प्लस 1 बाई फाइव, ये ध्यान रखिए पावर में बात हो रही है, तो 2 टू पावर यहां 15 हो जाएगा एलसीएम, तो आएगा 5 प्लस 3, तो क्या आएगा, 2 टू पावर 8 अपान 15, ये वैल्यू आएगी। एक मिनट, 1 बाई थ्री है, ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, बुक में ये 2 बाई थ्री लिखा है, कोई बात नहीं 1 बाई थ्री करके कर दो, ये 2 बाई थ्री लिखा हुआ है, तो यहां 2 बाई थ्री हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 यहां हो जाएगा, तो यहां 13 बाई 15 आएगा। ये क्वेश्चन चेंज हो गया, चेंज के हिसाब से ये भी सही था, 13 बाई 15 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 1 अपॉन 3 की पावर 3 होल पावर 7, देखिए पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है, 7 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, या 3 को बाहर ले जाओ, बात वही है, तो 1 अपॉन 3 टू पावर 3 इंटू 7, तो 1 अपॉन 3 टू पावर 21, या तो ये आंसर लिख दो। ठीक है, अब चूंकि अपान में है इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 3 की पावर माइनस 21 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों से लिख सकते हैं आप। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 11 टू पावर हाफ, थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 11 की पावर 1 बाई टू अपान 11 की पावर 1 बाई फोर, देखिए बेस इक्वल है, आधार बराबर है, अभी हमने क्या कहा, आधार अगर सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगे, तो 11 टू पावर, पावर में हो रही बात, 1 बाई टू में 1 बाई फोर माइनस करेंगे, 11 टू पावर, चाहे ब्रैकेट लिख दो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो यहां पर एलसीएम क्या हो गया, 4, 2 टू जा 4, 2 माइनस 1, तो 11 टू पावर 1 बाई फोर आपका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन ही कर लीजिएगा, कोई टफ नहीं है। इसके बाद फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 7 टू पावर हाफ, 7 टू पावर 1 बाई टू इंटू 8 टू पावर 1 बाई टू, अभी हम बता चुके हैं कि अगर पावर सेम है एक जैसी है तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर बाहर लग जाएगी, यानी आएगा 56 की पावर हाफ। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज है, इसको लगा लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज द नेक्स्ट वीडियो, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू।